नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन नेवी के एक बड़े ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताने वाला हूं जो कि हाल फिलहाल में ही जारी किया गया है। दोस्तों आप सभी को पता है इंडियन नेवी का जो एग्ज़ाम आपका फेब 2020 में हुआ था, उसके बाद मार्च के एंड से लॉकडाउन लग गया था। दोस्तों उनका रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन दोस्तों उस भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पीएफटी और मेडिकल अभी बाकी थे। तो ये अपडेट बेसिकली उनके पीएफटी और मेडिकल से रिलेटेड ही है, लेकिन इस अपडेट का रिलेशन मैं आपको अपकमिंग भर्ती के साथ जो है जोड़ के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार अपकमिंग वैकेंसीज इससे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकती हैं। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहेगा। और दोस्तों अगर आप नेवी के अपकमिंग बैच को टारगेट कर रहे हैं तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। डेली लाइव 1 घंटे की क्लास हम सुबह के 8 बजे जो है अनअकैडमी पर लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अनअकैडमी पर आप जो है प्लस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रोमो कोड है दोस्तों इंडियन, इंडियन प्रोमो कोड है, आप जरूर से यूज़ कीजिएगा। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते वक्त इंडियन प्रोमो कोड भी यूज़ करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। सो जरूर से ये काम कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अपडेट की। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंडियन नेवी की एक अपडेट आया है जिसमें बताया गया है कि जो इंडियन नेवी का पीएफटी था जो कि फैब में जो एग्जाम हुए थे एमआर एसएसआर डबल ए का आईएनईटी यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस एग्जाम जो ऑनलाइन मोड में हुआ था फैब में एसएसआर डबल ए और एमआर का, उनका पीएफटी बाकी था। तो दोस्तों कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस के कारण पीएफटी अभी तक इंडियन नेवी कंडक्ट नहीं करा पाया है, लेकिन अब दोस्तों 25 अक्टूबर से पहले पहले, जी हाँ दोस्तों 25 अक्टूबर से पहले पहले आपके पीएफटी के एडमिट कार्ड जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे जिन्होंने भी एग्जाम को क्वालिफाई किया था उनके इंडियन नेवी के अकाउंट के डैशबोर्ड में अपलोड कर दिए जाएंगे पीएफटी और उससे जुड़े जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके 25 अक्टूबर से पहले पहले बता दिए जाएंगे। और ध्यान रखिए दोस्तों, जो आपका पीएफटी जहां भी आपका पीएफटी होगा वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब पीएफटी की डेट और वेन्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, 25 तारीख से पहले पहले जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको उनके डैशबोर्ड में एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की। तो यहां पर बताया है पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में दोस्तों आपका होगा, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आप पीएफटी सेंटर पर जाएंगे सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की को वेरीफाई करवाना होगा ओरिजिनल कंडीशन में, और जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस में बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले भी होता था अब भी होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया है नो मेडिकल, ये क्या है दोस्तों, इससे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट खुश हैं कि अब मेडिकल होगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, मेडिकल होगा। जी हाँ दोस्तों मेडिकल होगा, आप सभी को पता है इंडियन नेवी में 2 बार मेडिकल होता है, पहला होता है प्री जो कि आपका पीएफटी के टाइम पे ही होता है, और दूसरा होता है दोस्तों फाइनल। जो फाइनल मेडिकल होता है दोस्तों ये आईएनएस चिल्का पे होता है, आईएनएस चिल्का पे होता है दोस्तों ओडिशा में, जब आप ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करते हो तो वहाँ पे होता है। सो यहाँ पर दोस्तों प्री मेडिकल को अब नहीं होगा, मतलब प्री मेडिकल अब नहीं होगा, अब आप वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर आपका पीएफटी होगा तो वहाँ पर केवल पीएफटी होगा, लेकिन दोस्तों पीएफटी के साथ आपका यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपकी हाइट वेट मेजर किया जाएगा। जी दोस्तों आपकी हाइट इसमें मेजर की जाएगी, अगर आप दी गई हाइट यानी जो मिनिमम हाइट होती है दोस्तों इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए 157 सेंटीमीटर होती है या फिर 157.5 सेंटीमीटर, इतनी हाइट लगभग होती है, अगर आपकी हाइट इससे कम है तो दोस्तों आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आप पीएफटी नहीं दे पाओगे। सो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपकी हाइट मेजर की जाएगी, अब आपके पास दोस्तों यहाँ पर प्री मेडिकल नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्री मेडिकल नहीं होगा लेकिन फाइनल मेडिकल होगा आपका, मतलब यहाँ पर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो और अब की बार रिपोर्टिंग की भी ज़्यादा कैंडिडेट ली जाएगी क्योंकि मेडिकल तो हो नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि मेडिकल में बहुत ज्यादा कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो मेडिकल हो नहीं रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को वहां पे आईएनएस चिल्का का भी बुलाएंगे और फाइनल मेडिकल वहां पे होगा, मतलब 400 कैंडिडेट लेने थे तो लगभग लगभग दोस्तों
700 से 800 कैंडिडेट को मतलब INS Silka पे रिपोर्ट किया जाएगा। सो वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट को निकाला जाएगा। सो ये पॉइंट भी हो सकता है दोस्तों। सो फाइनल मेडिकल आपका होगा जो कि INS Silka पे होगा, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगर आप फाइनल मेडिकल में अनफिट मिलते हो तो दोस्तों आपको जो है रीमेडिकल के लिए अपील का टाइम दिया जाएगा। सो डोंट वरी, आपका फाइनल मेडिकल होगा। सो यही बेसिकली दोस्तों अपडेट था। सो ये दो अपडेट थे, एक तो आपका अब की बार PFT होगा और उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद दोस्तों 25 अक्टूबर से पहले पहले आपको PFT के एडमिट कार्ड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के डैशबोर्ड में। दोस्तों अब की बार आपका केवल और केवल फाइनल मेडिकल होगा। बाय चांस अगर आपका कोई पॉइंट बन जाता है तो आप उसके रिगार्डिंग अपील भी कर सकते हो। सो डोंट वरी, सो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये जो अपडेट आया है PFT वाला, नेवी MR SSR AA का जो फैब में एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों अब हम इसको रिलेट करते हैं आने वाली वैकेंसी से। सो जहां तक मुझे लग रहा है दोस्तों अक्टूबर के लास्ट तक आपको न्यू वैकेंसीज का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा अपकमिंग जो आपकी वैकेंसीज का जिनका आप इंतजार कर रहे हो, MR SSR AA का। आप सभी को पता है दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग पहले जो है आपकी SSR AA की वैकेंसीज आएंगी और उसके बाद दोस्तों आपकी MR की वैकेंसी आएंगी। सो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, अक्टूबर के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि अब दोस्तों आप सभी को पता है SSC रेलवे सभी के एग्जाम कंटिन्यू हो रहे हैं, तो इंडियन नेवी भी अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अगर आपका फॉर्म अक्टूबर में आता है तो दोस्तों आपका एग्जाम जनवरी या फिर दिसंबर में ही ले लिया जाएगा। सो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन को जो है बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा दोस्तों, प्रिपरेशन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और दोस्तों अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमारे कंप्लीट नेवी MR के बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन रोजगार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। उसमें 3 वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी MR की, जिसमें आपको एक वीडियो साइंस की, एक जनरल अवेयरनेस की, एक मैथमेटिक्स की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है ऐप के अंदर देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हो जिसकी कीमत केवल ₹599 है। इसमें दोस्तों आपको जो है 87+ व्हाइट बोर्ड वाली वीडियोस, 100+ PDF, सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप और जो है सारी की सारी व्हाइट बोर्ड वाली क्लासेस देखने को मिलेंगी। सो दोस्तों अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।